के गुरुद्वारा श्री बाहट साहब जो कि गुरु नानक देव जी के बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद जी की तपस्थली है, वहाँ पर बाबा श्री चंद जी ने 62 साल तपस्या की थी, जिसके कारण इस पवित्र जगह को श्री बाहट साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा श्री चंद जी का 529वां प्रकाश पूर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ साहिब करवाए गए, जिसमें हजारों की तादाद में संगत नतमस्तक हुई। वहीं श्रोमणी अकाली दल के गुरदासपुर ऑब्जर्वर गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने भी वहां पहुंचकर बाबा श्री चंद जी की तपस्थली में माथा टेक कर अपना जीवन सफल किया। वहीं पर उनके साथ श्रोमणी अकाली दल पठानकोट के जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह मिंटू भी नतमस्तक हुए। इस मौके पर संगत ने रागी जत्थों और कथावाचकों द्वारा किए गए शब्द कीर्तन का आनंद भी माना और अपना जीवन सफल किया। जहां एक तरफ कीर्तन दरबार सजाए गए, वहीं लोगों ने मेले का भी आनंद माना। इस मौके पर कबड्डी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया। बाढ़ साहब बड़ा इतिहासिक जगह है। इतने बाबा श्री चंद जी ने बहुत लंबा समा भगती की है। अज उनका जन्मदिन है। मैं इस जन्मदिन से बाबा जी के सारे इलाके सारे पंजाब बार वास्ते सारे पंजाबियों संसार जिन्हें भी लोग इस श्रद्धा भावना में इतने मत्था टेक आते हैं, मैं अपने वालों सारे इस शुभ दिहाड़े से बधाई देता हाँ। और इतने जी अच्छी कबड्डी हो रही है, कुश्तियाँ हुई ने, भी बड़ा वधिया उपराला इतने की मैनेजमेंट का, क्योंकि ये नौजवानों खेडों नाल जोड़ना बहुत वड्डी गल है। क्योंकि जिस तरह का रुझान अजकल चल रहा कि बच्चों ने जरूरी है कि खेडों वाल लाया जाए, इस करके मैं इतने सेवादार होने के नाते इतने बच्चों मिलने आया खिलाड़ियों। और मैं यो प्रेरणा करना कि बच्चों मापियां ध्यान रख के खेडों वाल जोड़ना चाहिए। संगत जीओ गुरफतेह प्रवान होवे जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरद्वारा बाठ साहब विखे जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी का 529वां प्रकाश दिहाड़ा जन्मदिन बड़ी ही श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा है। बड़ी ही वड्डी गिनती दे विच दूर दुराडे इलाकों तो इस स्थान पर नतमस्तक होने वास्ते संगतां पहुँच रही हैं। यह स्थान जिसते बाबा श्री चंद जी ने बड़ा ही लम्मा समा तपस्या की, नाल नाल गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी छेवें पातशाह महाराज जी इस स्थान पर आए, 62 साल इस स्थान पर तपस्या की, जिस कारण करके इस स्थान नूं बाठ साहब के नाँ के नाल जाणिया जा सकता है जी। तुसी पिछे वेख सकते हो, वैसे भी तुसी वेखते हो कि अज बाबा जी का जन्म दिहाड़ा है, तो बड़ी ही वड्डी गिनती दे संगतां इस स्थान पर पहुँच रही हैं जी। वाहेगुरु जी।